देश में जानलेवा कोरोना वायरस अब बेकाबू होता जा रहा है। इस बीच भारत बायोटेक ने जो दावा किया है वो राहत देने वाला है। भारत बायोटेक ने दावा किया कि एक अध्ययन से ये पता चला है कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज में कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण को रोकने की क्षमता है। दरअसल भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा है कि एमोरी यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन में ये प्रदर्शित हुआ है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन की बूस्टर डोज शुरुआती दो डोज के 6 महीने बाद दी गई, उनमें सार्स कोवी 2 के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ प्रतिरक्षक क्षमता बनती जरूर है। प्रयोगशाला विश्लेषण का नेतृत्व करने वाले एमोरी वैक्सीन सेंटर के सहायक प्राध्यापक मेहुल सुथार ने कहा कि विश्व भर में ओमिक्रॉन ने एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता पैदा की है। प्राथमिक विश्लेषण से प्राप्त डेटा से प्रदर्शित होता है कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज लेने वाले व्यक्ति में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा क्षमता पैदा हुई। यहां आपको बता दें कि पूर्व के अध्ययनों में सार्स कोवी 2 के अन्य वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, डेल्टा, जीटा और कप्पा को रोकने में कोवैक्सीन की प्रभाव क्षमता प्रदर्शित हुई थी। अध्ययन के नतीजों का जिक्र करते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि जिन लोगों को कोवैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई उनमें से 90% से अधिक में संक्रमण को रोकने वाली एंटीबॉडी प्रदर्शित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।